हेलो अशोक शर्मा जी आरी। वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत ही हैप्पीनेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो आपकी लाइफ में। सो आज है न्यू ईयर ईव एंड आज ना मेरे मामा जी का बर्थडे भी है। मेरे मामा जी और मेरी मामी जी आए हुए हैं शिमला से एंड कल है मेरी मम्मी का बर्थडे। तो हम लोग ना थोड़ी सी छोटी मोटी पार्टी कर रहे हैं, वो भी घर के अंदर ही। बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। सो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ क्या तैयारी है। तैयारी ये है कि थोड़ा बहुत खाना हमने घर पे ही बनाया है। कुछ हम अभी पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, ये सब बारबेक्यू करेंगे बाहर। और मम्मी, मामा जी, मामी जी सब रेडी हो गए हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। एंड ये व्लॉग ना कल भी कंटिन्यू होगा क्योंकि कल भी बर्थडे पार्टी होने वाली है। सो बने रहो व्लॉग के अंदर। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी क्या चल रहा है घर के अंदर। और यहाँ पे हैं ये सारे लोग, ये देखो मम्मी, इधर आ जाओ आप, थोड़े से सबके साथ आओ। तो ये इन्हें तो आप जानते ही हो, इस खूबसूरत चेहरे को, है ना मम्मी? नमस्ते, हाय, हेलो, कुछ करो। हेलो, हेलो, हैप्पी न्यू ईयर। मम्मी फोन नहीं करना है। सो इस कमरे में तो ये रेडी बैठे हुए हैं, इतने प्यारे प्यारे लोग। सो ये है मेरे प्यारे मिस्टर क्यूट मामा जी एंड आज इनका बर्थडे है। थैंक यू मामा जी। तो मेरे मामा जी सबको हैप्पी न्यू ईयर विश कर रहे हैं। ये है मेरी मामी जी। मामी जी बोलिए। हेलो, फोन नहीं है मामी जी। हेलो, हाय। सो गाइस आप देख रहे हो कितने प्यारे और भोले लोग हैं हमारे हिमाचल के। हैप्पी न्यू ईयर। मम्मी आप? हाय, हैप्पी न्यू ईयर पूरे वर्ल्ड के लिए। हैप्पी न्यू ईयर पूरे भारतवर्ष के लिए। हैप्पी न्यू ईयर, सब लोग खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और एक दूसरे की हेल्प करे। और सालन के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा जाए। जो मेरा भाई भाभी आए हैं इनके लिए भी बहुत अच्छे साल जाए। साले जितने भी आगे आएंगे साल, सेहत अच्छी रहे, खूब तरक्की करे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे। ओके, जय शिव शंकर। सो यहाँ पे हमारी खूबसूरत बहन, हाय एवरीवन, विश यू अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। कहाँ से सीखी ये लाइन? सो अभी की क्या तैयारी चल रही है? अभी हमारा किचन तो मैं थोड़ा बहुत खाना रेडी हो गया है और थोड़ी पार्टी होगी, है ना मामा जी? पार्टी तो बनती है बिकॉज आज हमारे मामा जी का बर्थडे है। सो अभी ना किचन में कुछ इस तरह से प्लानिंग है कि मैं बना रही हूँ मटर पनीर एंड क्योंकि हम लोग, मतलब मैं और मेरा भाई वेजिटेरियन है और हम ना वड़ा पाव लेके आए थे, तो मैं इन लोगों के लिए वड़ा पाव गरम कर रही हूँ एंड ये लोग खा लेंगे अभी। और साथ में मेरी सिस्टर ने रेडी कर लिया है चिकन, डिलीशियस था, बट मैं तो नहीं खाती हूँ। एंड अब हम बनाएंगे पनीर टिक्का, तो उसके लिए ना मैं मैरिनेशन अभी कर दूंगी उसको, तो मैं वही आपको दिखा। सो गाइज अब ये सीन है कि मैं ना यहाँ पे बना रही हूँ मटर पनीर। तो मटर पनीर के लिए ना ऑलरेडी मसाला जो है वो रेडी हो चुका है ग्राइंड करके। एंड प्लीज इग्नोर करना किचन का अगर आपको कोई मैसी लग रहा है, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट फ्लैट्स की किचन ऐसी ही होती हैं, बट हमें बहुत ज्यादा पसंद है। सो अब हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे ना पैन रख दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ। वैसे तो आप लोगों को रेसिपी पता ही होगी बट कोई बात नहीं, बता देती हूँ। सो मैंने यहाँ पे डाल दिया है ऑयल। सो अब मैं ऐड कर रही हूँ ये बना बनाया मसाला जो मैंने ग्राइंड कर दिया था। कुछ इस तरह से लग रहा है, काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। थोड़ा सा नमक एंड मिर्चे वगैरह ऐड कर लूंगी अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड उसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट मैं आपको बताती हूं। तो गाइस यहां पे पनीर टिक्का का जो मैरिनेशन है वो हो चुका है। थोड़ी देर इसको ऐसे ही रख देंगे, उसके बाद हम इसको सीक में लगा के करेंगे बारबेक्यू। एंड यहां पे हमारी लेडीज देख रही हैं इंडियन आइडल और मामा जी खा रहे हैं चिकन एंड स्नैक्स। और अब हम करेंगे थोड़ी देर में केक कटिंग, है ना मामा जी? थैंक यू।
हेलो मैडी, हाय, मोटी हो गई है, हैप्पी न्यू ईयर तो बोलो। सो गाइस, माधव ना अभी सबके लिए रोजेस लेके आया है, मामा जी के लिए, मम्मी के लिए एंड मामी जी के लिए। थैंक यू माधव कह रहे हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हो आप, जैसे कि हमारी पूरी सभा बैठ चुकी है। ये है कुछ प्रेपरेशन केक लग रहा है, ये यहाँ पे फ्लावर्स रखे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कार्यक्रम। मामा जी कैसा लग रहा है आज आपका जन्मदिन है? बहुत बढ़िया लग रहा है। मम्मी आपको 12 बजे आपका भी है, तो कैसे प्लानिंग करी थी आपके मामा मम्मी पापा ने, मतलब नाना नानी ने? एक दिन का गैप। सालों का गैप। मम्मी आपकी एज बता रहे हैं, खुली जनता में आपकी एज बता रहे हैं। बता रहे हैं 4 साल बड़ी है मुझसे। तो हमारी बहनें केनिया से भी जुड़ी हैं कुछ। ये देखो गाइस, रुको, ये हमारी दो अनमोल रतन, ये देखिए। यस 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 यस। चलो चलो, हाँ स्टार्ट करो। मामा जी ये लो, ब्लो करो कैंडल। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। May God bless you, may God bless you. Happy birthday dear mama ji. Happy birthday mama ji, loudly. Love you all. Love you all. Mami ji ko to bolo, love you too. Love you. Love you. ओ माय गॉड मिस्टर अशोक जी, मामी जी एक बार तो बोल दो। हैप्पी बर्थडे। वो तो बोल दो, वो वॉइस नोट वाला तो बोल दो एक बार, व्हाट्सएप पे जो बोला था बोलो एक बार। मामा जी कुछ बोल रही है मामी जी। अरे वाह, आई लव यू मिस्टर अशोक शर्मा। ये भी ले भाई। तेरे को गर्मी नहीं लग रही? जन्मदिन मुबारक हो, बहुत खुश रहे हमेशा, तंदुरुस्त, खूब तरक्की करो, लंबी उम्र हो। हैप्पी बर्थडे मामा जी। धन्यवाद। पहली फोटो थोड़ी खींच रही है। अरे फोटो नहीं खींच रही मैं। सो गाइज, ये ना मैंने ऐसे इसमें लगा दिया है इसको, अब बाहर हम बाबी क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, बट वो जल नहीं रहा है हमारे दो लड़कों से, तो तब तक ये लोग यहाँ पे खा रहे हैं चिकन टिक्का जो इन्होंने अभी गैस पे ही बना दिया था। कैसा लग रहा है? अच्छा है, अच्छी लग रही है पार्टी आप लोगों को? चलो ठीक। तो यहाँ पे ना ये यहाँ तक पहुँचे, कितना टाइम लगेगा अभी हमें? अभी 10 to 20 minutes लगेंगे। यहाँ देखो क्या इन्होंने मस्त सा इंतजाम कर लिया है, टेंट हाउस लगा दिया है, एंड यहाँ पे ये देख रहे हो कितना टैलेंटेड लड़का है कि मेरी रिंग लाइट का इसने ना ट्राइपॉड यूज किया है ये लाइट सेट करने के लिए, और वहाँ पे स्पीकर भी लग गया है। डे टू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है डे टू एंड टुडे इज 1st of January, सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपका जो न्यू ईयर है बहुत अच्छा गया होगा, एंड आई विश कि जो ये आने वाला ईयर है ना बहुत ही अच्छा जाए आप सबके लिए। एंड गाइज, मैं ना बहुत ज़्यादा लेट हूँ, अब ना इवनिंग हो चुकी है, एंड कल रात को भी ऐसे ही फिर बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, खाया एंड सो गए थे, तो सुबह हम लेट सोए थे इसीलिए आज लेट उठे, सब कुछ लेट है। तो अभी ना सारे लोग गए हैं बाहर मार्केट तक, सो दैट मैं यहाँ पे कुछ छोटा सा सरप्राइज प्लान कर पाऊँ। सो रियली सॉरी, इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी अकेले कि मैं व्लॉग करना भूल गई थी और मैं दिखाना ही भूल गई, एंड अब तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बट एकदम से मुझे ध्यान आया कि मैं आपको एक थोड़ी सी जो मैंने डेकोरेशन करी है वो दिखा देती हूँ एक बार। सो अगर आपने व्लॉग देखा होगा तो ये कल ना रोजेज मिले थे, मैंने इस वास के अंदर डाल दिया जो मैंने बंजारा मार्केट से लिया था, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। सो डेकोरेशन ना कुछ इस तरह से किया है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल ही करी है बिकॉज मेरे पास जितना सामान था एंड जितना टाइम था मैं उसी अकॉर्डिंग कर पाई, एंड आई थिंक ये ना बड़ों को अच्छा भी लगेगा, उनकी मेमरीज
रहेंगी. सो मैंने ना कुछ इस तरह से ये पिक्चर्स का कोलाज बना दिया है. तो मामा जी और मम्मी का बर्थडे हो जाएगा. जैसे कल आपको बताया था मामा जी का बर्थडे था, आज मम्मी का बर्थडे है. सो हम एक ही साथ यहाँ पे आज सरप्राइज दे रहे हैं उनको. सो ऐसे मैंने ना थोड़े से बलून लगा दिए, बिकॉज अब जैसे होता है ना कि इतने बलून्स इन लोगों को पसंद नहीं होते, तो बस ऐसा ही मैंने कुछ अभी किया है. एंड मैं ना आपको केक दिखा देती हूँ एक बार. सो केक भी आ चुका है एंड बहुत ज्यादा सुंदर है. तो ये वाला जो केक है ना, इसकी मैंने थीम रखवाई थी समथिंग रिलेटेड टू जो इनके चाइल्डहुड में होता था, या जैसे हम लोग हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो वहां की क्या ऐसी डिशेज हो या क्या उनकी ऐसी मेमोरी हो बचपन की जो उन्होंने साथ में स्पेंड करी हो. सो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना सुंदर केक बना है. सो गाइज, दिस इज दी केक. बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है. एंड ये मैंने ऑर्डर किया है बटर शुगर फ्लावर से. एंड इनका भी जो केक का पेज है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो केक ना कुछ इस तरह से लग रहा है. एंड लुक एट द ब्यूटी. एंड इस पे लिखा है द ग्रेटेस्ट गिफ्ट आवर पेरेंट्स गेव अस वॉज ईच अदर. तो काफ़ी ज़्यादा ऐसे सिबलिंग अप्रोप्रिएट बनवाया है मैंने. सो यहाँ पे ना हमारा हिमाचली फूड है विच इज सिड्डू एंड घी. एंड यहाँ पे ऐसे भाई बहन का लोगो, साथ में जो पहले ऐसे ना कैंपा कोला मिलती थी वो, एंड ये चॉकलेट्स ऐसे कॉइन्स, और साथ में ना इन्होंने ऐसे पुराने कुछ कॉइन्स भी ऐड किए हैं, जैसे 2 पैसा, 30 पैसा, सॉरी 30 तो होता नहीं है, 20 पैसा. एंड यहाँ पे मैंने लिखवाया है माँ एंड मामा. तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है. एंड यहाँ पे ना उनके फेवरेट है मोहम्मद रफ़ी जी. सो दिस इज दी केक एंड बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है. सो गाइज, कुछ इसी तरह से हो पाई है मुझसे थोड़ी प्रिपरेशन. आई होप उन लोगों को पसंद आएगी. एंड अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लगी. एंड जैसे कि आप मेरा फेस देख सकते हो, बहुत ज़्यादा लेट सोए थे ना, तो इसलिए नींद भी पूरी नहीं हो गई है. बट एनीवेज, अब रात का प्लान ये है कि अभी मुझे ना डिनर बनाना है जिसमें मैं बनाऊंगी राजमा. उनके आने से पहले मैं सोच रही हूँ कि सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, सो दैट जैसे ही वो एंट्री करें मुझे पता है कि वो इसी रूम में आएंगे, सो मैं उनका एक रिएक्शन ले पाऊँ. सो अब ज्यादा बातें नहीं करते हैं, अब मैं आपको मिलती हूँ खाना बनाने के बाद. आओ वहीं से गेट से. सो गाइज, ये लोग अंदर आ गए. खोलो तो पूरा. हैप्पी बर्थडे टू यू. Happy birthday to you. Happy birthday dear mummy mama. To you. Hello, very good. Oh. देखो फोटोज. हाँ जी, सजा लिया भाई चुटकी ने. बहुत अरे चुटकी तो है ना. बढ़िया, आप सबकी मेमोरीज है. अब ये कलेक्ट करके ले जाना. बिल्कुल, अब तो ले जाएंगे. अब तो ले जाएंगे. अच्छी गाड़ी है. अच्छी गाड़ी है. बढ़िया चला ले. अच्छे मेरे ठीक है यार. अच्छे बने. सही है. सही है. सही. कैसा लगा मामी जी? बहुत अच्छा. बहुत अच्छा. ठीक है. सो अब इसमें ये है कि हमारा ट्रेडिशनल फूड आप लोग क्या खाते थे बचपन में? सिड्डू खाते थे ना. सिड्डू है, मोहम्मद रफी है. देखो मोहम्मद रफी भी है. सिड्डू का ये देखो. सिड्डू घी. अच्छा. सिड्डू घी. साइड में पुराने कॉइन्स है जो आप लोग के टाइम पे चलते थे, जब आप लोग यूज करते थे. 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा. कैसा लगा आपको केक? पुरानी यादें ताजा हुई बचपन की? ठीक है. तो केक जिन्होंने बनाया उनको बता दो कि कैसा लगा केक आप लोगों को. बहुत बढ़िया बनाया. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू बोल दो. थैंक यू केक बनाने के लिए. डे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे डियर मामा. हैप्पी बर्थडे टू यू. गॉड ब्लेस यू. मे गॉड ब्लेस यू. हैप्पी बर्थडे. सीधा करो. बर्थडे. हैप्पी बर्थडे टू यू. दो. हाँ तो मामा जी को दो ना. हैप्पी बर्थडे. ये हाँ ऐसे कर लो. फोटो ले लो. अब लास्ट एंड फाइनल सरप्राइज जो हम सारे बच्चों की तरफ से है. ये सब कुछ हम सब बच्चों की तरफ से ही है. छोटा सा सरप्राइज आप लोगों के लिए. अब बार दिल ये गाए तुमसे हजारों साल ये मेरी है यार.
आप लोग की लंबी उम्र हो, बस यही दुआ है हमारी। है ना, अभी देखना अच्छा ये सुनो। हेलो अशोक शर्मा जी, यहाँ पर हमारी पहाड़ी नाटी चल रही है अब, बर्थडे और न्यू ईयर सेलिब्रेशन। सो गाइज, दिस वॉज इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो डू सब्सक्राइब। मिलूंगी बाद में, बाय।